तो है गाइस बॉस सब एंड वेलकम बैक टू आर के डेटर जोन विद अंदर वीडियो। सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिनेमैटिक मोडी लाइट रूम मोबाइल प्रीसेट। आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, मैंने सिंपल फोटो कुछ इस तरह से एडिट किया है। सो गाइस अगर आप लोग भी अपनी फोटो कुछ इस तरह से एडिट करना चाहते हैं देन आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। सो गाइस अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस सिनेमैटिक मोडी कलर टोन डालने के लिए सबसे पहले आपको कुछ मैनुअल एडिटिंग करनी है। तो गाइस यहाँ पर मैंने भी अपने मोबाइल फोन के अंदर लाइट रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो गाइस आप लोग भी अपने फोन के अंदर ओपन कर लेना है एंड अपने प्रीसेट को डाउनलोड कर लेना है। प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से प्रीसेट को डाउनलोड कर सकते हैं। देन गाइस डाउनलोड करने के बाद आपको लाइट रूम को ओपन करना है एंड अपने फोटो एंड प्रीसेट को इसके अंदर इम्पोर्ट करना है। तो ऑलरेडी मैंने इसके अंदर अपने प्रीसेट एंड फोटो को इम्पोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर आपको ऑल फोटोज वाले फोल्डर में जाना है। तो गाइस मैं यहाँ पर ऑल फोटोज वाले फोल्डर में गया हूँ एंड यहाँ पर देख सकते हैं। सो गाइस आपको प्रीसेट कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा, डाउनलोड कर लेना है एंड यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करके सबसे पहले आपको इसकी सेटिंग को कॉपी करना है एंड यहाँ पर आप जो भी फोटो को एडिट करना चाहते हैं आपने सिंपल आप अपनी उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है एंड थ्री डॉट पे क्लिक करके अपनी फोटो को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सो गाइस मैंने जैसे इस फोटो को पेस्ट किया है बट इसके अंदर हम लोग कुछ मैनुअल एडिटिंग करेंगे ताकि हमारी फोटो दिखने में कसम लुक दे। सो गाइस सबसे पहले आपको अपनी फोटो पे इसे पेस्ट कर देना है। देन गाइस आपको सबसे पहले यहाँ पर इस वाले टूल पे जाना है एंड यहाँ से जाने के बाद जो यहाँ पर गाइस कंट्रास्ट दिख रहा है आपको उसको थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड गाइस बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पर जो वाइट्स दिख रहा है आपको इसको माइनस में कर देना है। सो गाइस जैसे इसको माइनस में कर देंगे देन आपको थोड़ा सा नीचे आना है इस वाले टूल में एंड यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड गाइस यहाँ से जो सेकेंड कलर आपको ऑरेंज दिख रहा है आपको इसको सिलेक्ट करना है एंड इसकी जो सेचुरेशन आपको उसको और थोड़ा माइनस में कर देना है एंड इसकी ह्यू को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। देन गाइस आपको यहाँ पर ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है, इसकी जो गाइस ल्यूमिनस आपको इसको थोड़ा माइनस में कर देना है एंड गाइस यहाँ से इसको डन कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। देन गाइस आपको थोड़ा नीचे इस वाले टूल पर आना है एंड यहाँ से जो यहाँ पर विस्टेज दिख रहा है आपको इसको माइनस में कर देना है एंड माइनस में करने के बाद गाइस आपको इस वाले टूल में वापस जाना है एंड गाइस यहाँ पर एक्सपोजर को आपको थोड़ा सा माइनस में कर देना है। तो गाइस मैंने इसको यहाँ से माइनस 10 कर दिया है, आपको ऐसे रखना है एंड यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। डन करने के बाद गाइस आपको इस वाले टूल पे आना है एंड गाइस यहाँ से आपको शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ा देना है, नॉइस रेडिएशन को थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड गाइस यहाँ से इसको करने के बाद जो हमारी फोटो है इसमें सिनेमैटिक मोडी कलर इफेक्ट आ जाएगा एंड हमारी फोटो देखने में देख सकते हैं, पहले की फोटो देख सकते हैं एंड बाद की फोटो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी हमारी यहाँ पर फोटो लग रही है। देन गाइस आप इसकी सेटिंग को कॉपी करके अपनी दूसरी फोटो पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं भी इसकी सेटिंग को कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं भी इस वाले फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ से जैसे पेस्ट किया आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइस हमारी फोटो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है एंड सिनेमैटिक मोडी कलर इफेक्ट हमारी फोटो में आ चुका है। देन गाइस यहाँ पर मैं आपको तीसरी फोटो को एडिट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारी तीसरी फोटो है काफ़ी अच्छी है एंड गाइस थ्री डॉट पे क्लिक किया एंड पेस्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं वह ओनली वन क्लिक में फोटो एडिट हो चुकी है एंड काफ़ी अच्छी फोटो लग रही है। सो गाइस आप लोग भी अपनी फोटो कुछ इस तरह से एडिट कर सकते हैं ओनली वन क्लिक में। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।